दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में सूर्य कुमार यादव ने ठोका शतक, तो यह देख रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या कहाँ रहने वाले थे पीछे। बीच मैदान पर छक्के चौकों की बरसात कर बांग्लादेश की टीम को चटाई धूल बना डाले 300 से ज्यादा रन, सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला यहाँ धर्मशाला में खेला जा रहा है। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए जब उतरी तो टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने की, जहाँ दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो लग रही थी कि बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में शुभमन गिल जहाँ 12 रन बनाकर आउट हुए, तो यशस्वी जायसवाल को भी अपने जाल में इसी चौथे ओवर की चौथी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने फंसा लिया। अब दोस्तों, यहाँ यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मिलकर अपनी टीम के लिए मात्र 82 रन की ही साझेदारी कर पाए थे। अब दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पारी को संभालने सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने के लिए ऋषभ पंत उतरे, जहाँ दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर यहाँ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। एक तरफ ऋषभ पंत का बल्ला तो चल रहा था और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने तो ठान लिया था कि वो यहाँ छक्के चौकों के अलावा छोटे मोटे रन बनाने नहीं वाले हैं। और दोस्तों, देखते ही देखते यहाँ सूर्य कुमार यादव ने अपना 50 भी बस मात्र 23 गेंदों में पूरा कर दिया। और दोस्तों, 50 रन जड़ देने के बाद सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के एक भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा। इस दौरान तस्कीन अहमद, तंजीम हसन, साकिब सभी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके कप्तान सूर्य कुमार यादव का विकेट गिराया जाए। लेकिन दोस्तों, सूर्य कुमार यादव तो अपने शतक को भी पार कर गए। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने मात्र 52 गेंदों में 104 रन की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 4 बड़े छक्के भी लगाए। और दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने वाले ऋषभ पंत भी फिर कहां पीछे रहने वाले थे। ऋषभ पंत ने भी इस मुकाबले में 98 रन बनाकर पूरा मुकाबला पलट कर रखा। हालांकि दोस्तों, इस दौरान फिर ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे हार्दिक पांड्या, जहां सूर्य कुमार यादव तो 104 रन बनाकर आउट हो ही गए थे और अब हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे पर पूरी जिम्मेदारी थी इस मैच को आगे बढ़ाने की। इस बीच हार्दिक पांड्या भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहाँ 75 रन ठोक डालते हैं और शिवम दुबे के बल्ले से मात्र 7 रन निकले। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया ने इस T20 मुकाबले में 300 रन के आंकड़े को पार कर दिया, जहाँ T20 में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने 300 से ज्यादा रन बनाए हैं। बल्कि आज से पहले T20 क्रिकेट में ऐसा कभी देखने के लिए नहीं मिला कि किसी टीम ने 300 से ज्यादा रन बनाए हो। और इस बीच सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का सबसे बड़ा योगदान रहा, जहाँ हार्दिक पांड्या की अगर 75 रन की पारी ना आती उनके बल्ले से तो शायद टीम इंडिया इस स्कोर तक पहुंच भी नहीं पाती। अब दोस्तों, भारतीय टीम की ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देख लेने के बाद आप सभी की क्या राय है और आप भारत के बल्लेबाजों को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? इस शानदार बल्लेबाजी के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की पारी बढ़िया लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली एक और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद।